कोहिनूर हीरे पर एक बड़ा खुलासा। आरटी द्वारा मांगी गई जानकारी पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार ने खुलासा किया है कि 1849 में लॉर्ड डलहौजी महाराजा दलीप सिंह के बीच एक समझौता हुआ था कि कोहिनूर हीरा लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की रानी को सरेंडर कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक महाराजा दलीप सिंह कोहिनूर इंग्लैंड को नहीं देना चाहते थे क्योंकि उस समय महाराजा दलीप सिंह नाबालिग थे। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी जिसमें मैंने कोहिनूर जो डायमंड है उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि ये ब्रिटिशर्स जो थे ये जो डायमंड था ये ज़बरदस्ती लेके गए थे या इंडिया ने अपनी विल से इसको गिफ्ट किया था, क्या है ये मामला। तो मेरी ये एप्लीकेशन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दी गई सेक्शन 6 क्लॉज 3 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से। तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया है कि 1849 में महाराजा दलीप सिंह थे उस टाइम पे, तो उनकी विल के बगैर, उनकी इच्छा के बगैर ये जो डायमंड है ये जो लाहौर ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी में जो अंग्रेज़ों ने उनसे ले लिया था, और मोर ओवर उनकी किसी भी तरह की महाराजा दिलीप सिंह की विल नहीं थी, और तब महाराजा दिलीप सिंह थे जो वो माइनर थे उस टाइम पे। तो न्यूज़पेपर के जो अलग अलग रिपोर्ट्स छपी हैं उससे मेरे को पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है जिसमें ये कोहिनूर डायमंड को वापस लाने की बात हो रही है। तो उसमें सरकार की तरफ से एज पर दी रिपोर्ट्स ऑफ द न्यूज़पेपर एक पब्लिश की गई है जो न्यूज़, उसमें लिखा है कि सरकार ने ये पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया है कि ये जो डायमंड है ये भारत, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे से नहीं लिया है ब्रिटिशर्स ने। और जबकि आरटीआई का रिप्लाई बिल्कुल कॉन्ट्रोडक्टरी है, उसमें ये कहा गया है कि ये महाराजा दिलीप सिंह की इच्छा के बगैर उनसे लिया गया था। तो दोनों रिप्लाई जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए हैं। सुप्रीम जो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मिसगाइड किया जा रहा है, सही जो तथ्य हैं वो पेश नहीं किए जा रहे। देखिए, कुछ लोगों ने इसमें PIL फाइल किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार को चाहिए कि ये बात उसकी कीमत की नहीं है, बात उसकी, हमारी जो विरासत है बात उसकी है। तो ये बिल्कुल सरकार को इसमें एफर्ट्स करने चाहिए इसको वापस कर लेके आने के लिए, क्योंकि 2014 के इलेक्शनों में BJP गवर्नमेंट ने ये बात कही थी कि हम कोहिनूर वापस लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद आज 2018 आ गई है, एक बार भी सरकार की तरफ से ऐसे कोई एफर्ट नहीं किए गए हैं। लोग जो हैं वो इमोशनली अटैच्ड हैं ऐसी चीज़ों के साथ, तो सरकार को ज़रूर एफर्ट्स करने चाहिए जो चीज़ ब्रिटिशर्स हमसे लूट के ले गए हैं उनको वापस लाने के लिए।